करनाल पांचों विधानसभाओं के उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में हुआ कैद। सभी पांच विधानसभा के अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए जिसकी सुरक्षा 3D लेयर में की जा रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की महिलाओं की फोर्स RPF एवं पुलिस के हवाले रहेगी सुरक्षा। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे करनाल ASP सुरेंद्र सिंह भौरिया। मतगणना कल 8 बजे शुरू हो जाएगी। कल खुलेगा उम्मीदवारों के भाग्य का पिटारा। करनाल की पांचों विधानसभाओं के उम्मीदवारों के भाग्य का पिटारा खुलेगा कल। करनाल में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में बंद हो गई है, जिसमें दयाल सिंह कॉलेज, कर्ण स्टेडियम, जिम्नास्टिक हॉल, DAV कॉलेज व स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। सभी पांचों जगह जिला पुलिस की तरफ से CRPF, RPF की 3D लेयर सुरक्षा स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लगाई गई है। देखिए, कल ये जो विधानसभा इलेक्शन है, इसकी काउंटिंग का दिन है, तो कुल 5 काउंटिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट करनाल में हैं। सभी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3-tier सिक्योरिटी हमने इसमें लगाई है। जो फर्स्ट टायर है वो पैरामिलिट्री फोर्स है, सेकेंड टायर है वो स्टेट आर्म्ड पुलिस की जो है कॉर्डन है, और थर्ड कॉर्डन वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है। करीब 150 के आसपास मुलाजिम पर काउंटिंग सेंटर में लगाए गए हैं। कुल 1000 के आसपास सुरक्षाकर्मी पूरे ज़िले के लिए, जो काउंटिंग सेंटर के अलावा जो बाद में जुलूस या जलसे निकलेंगे उसको भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में सभी ड्यूटीज़ पुख्ता लगाई गई हैं। सभी की ब्रीफिंग कर दी गई है। वो तो सबका अलग अलग होगा रिजल्ट, तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ही डिक्लेयर होगा रिजल्ट। और ऐसे ही मीडिया साथियों के लिए भी जो है मीडिया सेंटर हर जो है काउंटिंग सेंटर पे बनाया गया है। जो पैरामीटर नाका है, यानी जो लास्ट पॉइंट है, उसके आगे केवल ऑथोराइज पर्सन को ही अलाउड है। जो हमारे मीडिया के साथी, आप सबको भी जैसे पासेस जारी हो गए हैं, केवल जो पास होल्डर है वो ही आ सकता है, या जो काउंटिंग एजेंट है या जो काउंटिंग का जो स्टाफ है, उसके अलावा किसी की भी एंट्री इस पैरामीटर के अंदर नहीं की जाएगी। कितने बजे शुरू हो जाएगी? कल सुबह 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी।